आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। जन अधिकार छात्र परिषद पूर्णिया द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तरीय नामांकन में व्याप्त धांधली के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर घंटों आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की अध्यक्षता पूर्णिया कॉलेज अध्यक्ष करण यादव और छात्र संघ सचिव अभिषेक आनंद कर रहे थे। मौके पर करण यादव ने बताया कि आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी की गई है मांगों को लेकर, जिसमें पहला और सबसे अहम मांग है कि 2021 से 24 स्नातक नामांकन में भारी मात्रा में धांधली की गई है। जहां ज्यादा अंक पाने वाले का लिस्ट में नाम नहीं आया है, वहीं कम अंक वालों का लिस्ट में नाम आ गया है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। दूसरा, विश्वविद्यालय द्वारा एसटीएससी एवं छात्राओं को नामांकन शुल्क वापस करने के लिए फॉर्म भराया गया है, लेकिन अभी तक शुल्क वापस नहीं किया गया है। तीसरी हमारी मांग है कि पूर्णिया कॉलेज एवं महिला कॉलेज में बीएड की पढ़ाई शुरू की जाए। चौथा, सभी कॉलेजों में शिक्षक की कमी दूर की जाए। पांचवा, सभी कोर्स की सत्र नियमित किया जाए। छठा मांग, सभी सरकारी कॉलेज में छात्रावास की कमी को पूरा किया जाए तथा जहां पहले से हैं उसकी स्थिति में सुधार किया जाए। इन्हीं सभी मांगों के साथ आज 4 घंटे तक आंदोलन कर छात्र हित में बात की गई। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि 3 वर्षों से विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। हर साल हजारों छात्र नामांकन से वंचित रह जाते हैं। वहीं मौके पर अभिषेक आनंद ने कहा कि जब से ये विश्वविद्यालय बना है, यहाँ पढ़ाई का माहौल समाप्त हो गया है। हम लोगों को बहुत आस थी, पर यहाँ के छात्र बर्बाद हो गए हैं। अच्छे अंक के बाद भी उनका नामांकन नहीं हो पाता है। हम पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति साहब से मांग करते हैं, ये यूजी में जो 2021 से 2024 में जो नामांकन हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरा अनियमित रूप से धांधली हो रही है। आईटी सेल वाले कुछ अपने चमचे को पाल रखे हैं, कुछ बाहर वाले कैफे को पाल रखे हैं। वो ऐसे कहते हैं भाई 3,000 रुपया तो 4,000 रुपया तो आपका एडमिशन कराते हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनके पिछले साल भी एडमिशन नहीं हुआ, उससे पिछले साल भी एडमिशन नहीं हुआ, 2 साल से 3 साल से एडमिशन नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे। कुछ बालिके का जो अररिया जिले का, उनका दे देता भैया बैसी कॉलेज में एडमिशन कराएगा तो उनका क्लास कैसे होगा। ना हॉस्टल में ना छात्रावास देते हैं, ना कुछ देते हैं, ना क्लास कर पाते हैं। आप बोलते हैं आपको क्लास करना होगा, फॉर्म भरना होगा, पूरा हर कुछ में धांधली विश्वविद्यालय व्याप्त कर रही है अपने मतलब अलचे बलचे दलालों से। मतलब छात्र समस्या, छात्र डेली किशनगंज से आते हैं, अररिया से आते हैं, कटिहार से आते हैं, दो के परेशान होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कहते हैं एप्लीकेशन दे दो, और जब एप्लीकेशन देते हैं तो यहाँ कोई निराकरण नहीं होता है। लास्ट मजबूरन हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद के सभी साथी आंदोलन पर बैठे हैं, और इसका निराकरण होगा तभी हम लोग कुछ करेंगे। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या है? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि हम लोग जनहित का छात्र परिषद और छात्र संघ के जितने भी नेता हों, हम लोग हर वक्त चाहते हैं कि छात्रों को कोई समस्या नहीं हो। आज भी हम लोग मतलब बहुत सारे छात्र के भैया मोबाइल कॉल पर इतना कॉल मैसेज आता है कि सबका देखते हैं ना, गार्जियन सब भी परेशान हो जाता, रोने धोने लगता है कि ऐसे ऐसे एडमिशन नहीं हो रहा, क्या करेगा, उससे क्या गलती है बच्चा का, आप यहाँ पैसा लेके खेल कर रहे हैं, बच्चे का क्या गलती है बताइए आप। अभिषेक आनंद, छात्र संघ सचिव, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, जन अधिकार छात्र परिषद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।